अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज हम ईद स्पेशल कलेजी रेसिपी बनाना सीखेंगे। इसके लिए आधा किलो कलेजी लेंगे और इसे 3 पानी से धो के साइड में रख देंगे और कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे। 3 तेज़पात, 4 छोटी इलायची, 5 लौंग, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, जावित्री, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम गैस पे करीब 1.5 लीटर पानी चढ़ा देंगे और जब ये उबलने लगेगा तो उसमें करीब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें गरम मसाले डालेंगे। गरम मसाले डालने के बाद इसे कुछ देर ढक के रख देंगे। जब ये उबलने लगेगा तब हम इसे खोल के चला के देखेंगे, फिर इसमें हम अपनी कलेजी डालेंगे। अब कलेजी डालेंगे, कलेजी डालकर बंद कर देंगे ढककर। जब ये उबलने लगे तो इसे खोल के चलाएंगे, चला के कम आंच पे करके इसे पकने देंगे। अब हम कुछ मसाले लेंगे। कलेजी जब गल जाएगी उसे चम्मच से देख लेंगे, देखकर उसे छान लेंगे एक डलिया में और उसे साइड में रख देंगे। इसमें का सारा खड़ा गरम मसाला निकाल के हटा देंगे। अब हम 3 प्याज लेंगे, उसे बारीक काट लेंगे। अब हम एक बर्तन में तेल लेंगे और उसके गरम होने के बाद 1.5 चम्मच तेल लेंगे और उसके गरम होने के बाद उसमें 1/2 चम्मच मेथी का दाना डालेंगे। मेथी जब ये पक जाएगा तो अब इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को पकाएंगे, जब करी गोल्डन ब्राउन होने लगेगी प्याज तो इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे चलाएंगे। अब इसी कटोरी में 1/2 कटोरी पानी डालकर थोड़ी देर चलाएंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मिर्च डालेंगे। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा और 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें करीब 3 चम्मच दही का पेस्ट डालेंगे और इसमें पानी, कटोरी में पानी डालकर मसाले में डाल देंगे। करीब इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलेजी का कलर काला नहीं होगा, अच्छा होगा। अब इसमें हम कलेजी डाल देंगे मसाले को खूब भूनने के बाद। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। इसमें करीब 1 कप पानी डाल देंगे और इसे 1 फुल सीटी पे और 2 कम सीटी पर लगाएंगे। अब हमारी कलेजी बनके तैयार हो गई। इसमें धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।